अब अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट प्रोसेस यानी कि बैंक से भुनाना, विपत्र को बैंक से भुना लेना, तो यहाँ पर जब एक लेखक विपत्र को बैंक से भुना लेता है, जाहिर सी बात है कि वो बट्टे पर भुनाता है, तो ऐसी कंडीशन में उसके बाद अगर विपत्र अनादृत हो जाता है, हमने पार्ट वन में देखा कि कई बार एक लेखक जो होता है विपत्र को बैंक से बट्टे पे भुना लेता है, इसके बारे में क्या एंट्रीज होती हैं, क्या रूल रेगुलेशन है, सारे कुछ हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिए। अब अगर विपत्र को भुना लेने के बाद विपत्र का अनादरण हो जाए तो फिर कैसी एंट्री की जाए, तो उस संबंध में हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो विपत्र की जो राशि है वो लेखक या फिर जो भी विपत्र का धारक हो, जिसके पास भी विपत्र रहता है, उससे प्राप्त की जाती है, क्योंकि बैंक से तो उसने भुनाया था, उसने राशि प्राप्त की थी, तो उसी से फिर राशि प्राप्त की जाती है। यहाँ पर अगर बैंक विलेख पर आलोकन व्यय करता है तो वो जो भी व्यय होता है उसके बारे में भी हमको ध्यान रखना होगा कि पूरा का पूरा व्यय जो होता है वो भुगतान पाने वाला जो व्यक्ति होता है उससे प्राप्त किया जाता है, जो विपत्र पर भुगतान प्राप्त करेगा वही उस व्यय को देगा। अब बात करें अगर हम ऐसी दशा में लेनदार और देनदार की, तो यहाँ पर जब हम जनरल एंट्री करेंगे तो लेखक की पुस्तक में कौन कौन सी प्रविष्टियाँ की जाएंगी, आइए देखते हैं। तो लेखक अपनी पुस्तक में प्रविष्टि करेगा एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि वो भुना लिया था ऑलरेडी, अब वापस वो धनराशि स्वीकर्ता को वो दे रहा है बैंक, तो यहाँ पर एंट्री होगी एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दूसरा एक कारण ये है कि अगर विपत्र को लेखक ने बट्टे पर भुना लिया है तो भी स्वीकर्ता पर तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको तो पेमेंट जिसे करना है वो करना ही है, तो इसलिए स्वीकर्ता की पुस्तकों में कोई नई प्रविष्टि नहीं की जाती है। राम ने 1 अप्रैल 2008 को रहीम पर 3 माह की अवधि का 3000 रुपए का एक विपत्र लिखा। रहीम ने इस विपत्र पर स्वीकृति प्रदान की, परंतु देय तिथि पर वह इसका भुगतान नहीं कर सका। आलोकन व्यय 25 रुपए हुआ। दोनों पक्ष की बहियों में जनरल के आवश्यक लेखे कीजिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो पक्षकार हैं, राम और रहीम। राम जो है वो लेखक है, रहीम जो है वो स्वीकर्ता है, और यहाँ 3000 रुपए का एक विपत्र रहीम पर लिखा गया है। रहीम ने उस पर स्वीकृति भी प्रदान की लेकिन वो देय तिथि को भुगतान नहीं कर सका। आलोकन व्यय भी यहाँ पर दिया गया है, उसकी भी हमको एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हम लेखक की बहियों में एंट्री करेंगे। पहले तो विपत्र लिखा गया और उस पर स्वीकृति प्राप्ति की गई, तो उसके लिए हम फर्स्ट एंट्री कर लेंगे प्राप्त विपत्र खाता डेबिट रहीम से 3000 से हम इसकी एंट्री करेंगे और नरेशन लिखेंगे रहीम ने प्राप्त विपत्र पर स्वीकृति दी। और उसके बाद जबकि ये विनिमय विपत्र पे भुगतान नहीं हो पाया, अनादृत हो गया और आलोकन व्यय का भी भुगतान किया गया, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो लिखा गया विपत्र अनादृत होता है और आलोकन व्यय चुकाया जाता है, तो हमने देखा कि जनरल एंट्री होती है यहाँ पर होगी रहीम डेबिट प्राप्त विपत्र खाता से रोकड़ खाता से, यानी कि हम जनरल एंट्री करते हैं स्वीकर्ता का व्यक्तिगत खाता डेबिट प्राप्त विपत्र से रोकड़ से, तो स्वीकर्ता कौन है यहाँ पर रहीम है, तो यहाँ हम लिखेंगे रहीम डेबिट प्राप्त विपत्र खाता से रोकड़ खाता से, और नरेशन हम लिखेंगे विनिमय विपत्र अनादृत हुआ तथा आलोकन व्यय भुगतान किया गया। तो क्योंकि प्राप्त विपत्र जो था वो 3000 का था और आलोकन व्यय यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चार्ज जो पेमेंट किया गया वो 25 रुपीज था, तो टोटल यहाँ पर हम डेबिट में लिखेंगे 3025। सेकेंड इसका जो पक्षकार है रहीम स्वीकर्ता, उसकी बहियों में हम इसी तरह से एंट्री करेंगे। तो सेकेंड एंट्री जबकि वो राम के द्वारा लिखे गए विपत्र पर स्वीकृति देगा तो वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री करेगा, राम डेबिट, क्योंकि हम यहाँ पर एंट्री करते हैं लेखक डेबिट देय विपत्र खाता से, तो लेखक है राम, तो यहाँ हम 1 अप्रैल 2008 को एंट्री करेंगे राम डेबिट देय विपत्र खाता से, और नरेशन यानी टिप्पणी हम यहाँ पर लिखेंगे देय विपत्र पर स्वीकृति प्रदान की गई और अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे 3000। उसके बाद 4 जुलाई को क्योंकि यहाँ पर जो विपत्र था वो अनादृत होगा और आलोकन व्यय लगाए गए, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर एंट्री करेंगे देय विपत्र खाता डेबिट आलोकन व्यय खाता डेबिट राम से, तो देय विपत्र की 3000 अमाउंट आएगी, आलोकन व्यय हम देखेंगे 25 रुपीज है, तो राम से यहाँ पर आ जाएगा 3025। 1 जनवरी 2008 को 1000 रुपए का माल शर्मा ने वर्मा से उधार क्रय किया। शर्मा ने इसके लिए 3 माह की अवधि का एक विपत्र स्वीकृत किया।
वर्मा ने इसी तिथि को यह विपत्र बैंक से 5% प्रतिवर्ष की दर से भुना लिया। देय तिथि को विपत्र का अनादरण हो गया। दोनों की बहियों में लेखा कीजिए, जबकि आलोकन व्यय 5 रुपए है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो पक्षकार हैं, एक शर्मा और वर्मा। शर्मा ने वर्मा से उधार माल क्रय किया। बहुत सावधानी से हमको यहाँ पर समझना है कि कौन क्रेता है, कौन विक्रेता है, यानी कि लेखक कौन है और स्वीकर्ता कौन है। तो क्योंकि वर्मा से उधार माल क्रय किया गया, यानी कि वर्मा जो है वो लेखक है, यानी कि वो विक्रेता है, और शर्मा जो है वो क्रेता है, यानी कि वो स्वीकर्ता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेखक की पुस्तक में पंजी प्रविष्टि करेंगे, यानी वर्मा की पुस्तक में। स्टेप बाय स्टेप जैसे क्वेश्चन में पॉइंट दिए गए, उसके बेस पे हम देख रहे हैं कि सबसे पहले तो उसने शर्मा को माल बेचा है, तो सबसे पहले हम माल बेचने की एंट्री करेंगे। शर्मा डेबिट विक्रय खाता से शर्मा को माल उधार बेचा गया, 1000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। सेकेंड, ये जो विपत्र लिखा जा रहा है शर्मा पर, उसकी जो स्वीकृति प्राप्त की है हमने, उसकी हम एंट्री करेंगे। तो ये हो जाएगा प्राप्य विपत्र खाता डेबिट शर्मा से, शर्मा द्वारा प्राप्य विपत्र पर स्वीकृति प्रदान की गई, 1000 ही रहेगी इसके अमाउंट। अब थर्ड जो स्टेप हम देख रहे हैं क्वेश्चन में कि वर्मा ने इसी तिथि को यह विपत्र बैंक से 5% बट्टे पर भुना लिया। इसी तिथि को मतलब कि 3 माह की अवधि की जो तिथि थी, उस तिथि पर उसने बैंक से भुना लिया। तो यहाँ पर हम जनरल एंट्री करेंगे बैंक खाता डेबिट कटौती खाता डेबिट प्राप्य विपत्र खाता से, जैसे कि हमने वीडियो में देखा इसकी जनरल एंट्री होती है बैंक डेबिट बट्टा डेबिट प्राप्य विपत्र से। तो ये एंट्री हम यहाँ पर करेंगे और नरेशन हम यहाँ पर लिखेंगे प्राप्य विपत्र खाता कटौती पर भुना लिया गया। और यहाँ पर हम अमाउंट देख रहे हैं कि 1000 का ये प्राप्य विपत्र था, 5% इसमें कटौती थी और 3 माह का ये विपत्र था। तो 1000 × 5 × 3/100 × 12 यानी कि 12.5 रुपीस यहाँ पर डिस्काउंट आ जाता है। तो 1000 में हम 12.5 माइनस कर देंगे तो ओवरऑल जो हमको कैश की जो अमाउंट हमारी होती है, जो कि हम बैंक में लिखेंगे, वो हो जाएगी 987.50 और डिस्काउंट हो जाएगा 12.50। टोटल जो अमाउंट है बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट में आएगी वो हो जाएगी 1000। अब जो कि 4 मार्च को प्राप्य विपत्र का जो अनादरण हो गया और आलोकन व्यय जो चुकाया गया, उसके लिए हम प्रविष्टि यहाँ पर करेंगे शर्मा डेबिट बैंक खाता से और नरेशन यहाँ हम लिखेंगे प्राप्य विपत्र का अनादरण आलोकन व्यय का भुगतान बैंक ने किया। तो 5 रुपए क्योंकि यहाँ पर आलोकन व्यय भी लिए गए हैं और 1000 का विपत्र था, तो टोटल 1005 यानी 1005 रुपए से हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। तो ये तो हमने वर्मा की पुस्तकों में जनरल के लेखे कर दिए। अब शर्मा की पुस्तकों में भी जनरल के लेखे करते हैं। शर्मा जो कि स्वीकर्ता है, स्वीकर्ता यानी कि क्रेता है, जब ये माल खरीदेगा वर्मा से तो ये फर्स्ट एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में करेगा क्रय खाता डेबिट वर्मा से, यानी वस्तु को उधार क्रय किया और 1000 से इसकी एंट्री करेगा। सेकेंड कंडीशन आती है उधार विक्रय की दशा में कि जो क्रेता होता है वो विक्रेता को लिखे गए विपत्र पर स्वीकृति प्रदान करता है। तो शर्मा जब वर्मा के द्वारा लिखे गए विपत्र पर स्वीकृति प्रदान करेगा तो यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगी वर्मा डेबिट देय विपत्र खाता से और यहाँ हम नरेशन लिखेंगे देय विपत्र पर स्वीकृति प्रदान की, 1000 से इसकी एंट्री करेंगे। और थर्ड कंडीशन, जबकि विपत्र का अनादरण हो जाता है तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे देवी पत्र खाता डेबिट आलोकन व्यय खाता डेबिट वर्मा से और देवी पत्र में ये अमाउंट आएगी 1000, आलोकन व्यय यहाँ पर आएगा 5 रुपीस और वर्मा से यानी कि टोटल अमाउंट हम लिखेंगे 1005 रुपीस। अ ने ब से 400 रुपए के एक विपत्र पर 3 माह के लिए स्वीकृति प्राप्त की एवं स को बेचैन किया। दे तिथि को विपत्र का अनादरण हो गया, आलोकन व्यय 5 रुपए हुए। आ ब और स के पुस्तकों में जनरल के आवश्यक लेखे कीजिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 पक्षकार हैं आ ब और स, ए बी और सी। आ ने ब से माल खरीदा है, यानी कि आ ने ब से विपत्र पर स्वीकृति प्राप्त की है, यानी आ जो है वो विपत्र का लेखक है और ब जो है वो विपत्र का स्वीकर्ता है और स को जिसको कि बेचान किया गया है वो बेचान ग्राही इंड्रोसी है। तो सबसे पहले हम आ यानी कि जो विक्रेता है लेखक है उसकी पुस्तकों में हम एंट्री करेंगे, जिसमें कि क्योंकि उसने विपत्र पर स्वीकृति प्राप्त की है
बेचने से संबंधित किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है तो हम उसकी एंट्री को छोड़ देंगे। डायरेक्ट हम स्वीकृति प्राप्त करने पर आ जाते हैं, तो स्वीकृति की जब हम एंट्री यहाँ पर करेंगे तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पर हो जाएगी हमारी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी बीइंग बी गिवन एक्सेप्टेंस ऑन बिल्स रिसीवेबल 400 से हम इसकी एंट्री करेंगे। और अब ये जो प्राप्य विपत्र है, ये जो आ है वो स को बेचान कर देता है, तो यहाँ हम बेचान एंड्रोजमेंट की एंट्री करेंगे जो की हो जाएगी सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट सी, क्योंकि बेचान ग्राही है। हमने वीडियो में देखा कि जब हम बेचान करते हैं तो वो अपनी पुस्तक में एंट्री करता है बेचान ग्राही डेबिट प्राप्य विपत्र खाता से, इसलिए हमने यहाँ पर प्रविष्टि की सी डेबिट प्राप्य विपत्र खाता से सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल बीइंग बिल इनरोज टू सी और 400 से हम इसकी एंट्री करेंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थर्ड स्टेप हम यहाँ पर देख रहे हैं कि देय तिथि को विपत्र का अनादरण हो जाता है, तो यहाँ पर हमको बहुत सावधानी से एंट्री देखनी है कि हम क्या कौन सी एंट्री करेंगे, क्योंकि विपत्र का अनादरण हो रहा है और कौन सी कंडीशन में हो रहा है। ऐसे विपत्र का अनादरण हो रहा है जो कि इनरोज किया जा चुका है, बेचान किया जा चुका है, तो ऐसे कंडीशन में हम लेखक की पुस्तक में एंट्री करते हैं बी डेबिट यानी कि स्वीकर्ता डेबिट बेचान ग्राही से, तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी बी डेबिट टू सी, और क्योंकि नोटिंग एक्सपेंसेस भी है तो उसको भी हम क्रेडिट कर देंगे, तो टू सी के साथ टू नोटिंग एक्सपेंसेस भी हम क्रेडिट कर देंगे। और नरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग डिसऑनर्ड ऑफ बिल एंड नोटिंग चार्जेस पेड 10 रुपीज, सी में हम क्रेडिट में लिखेंगे 400 और टोटल ये जो बी में आ जाएगा वो हो जाएगा 410 रुपीज। अब हम बी की बुक में एंट्री कर लें तो ये फर्स्ट एंट्री, जब बी जो है वो स्वीकर्ता है, एक्सेप्टर है, वो जब स्वीकृति देगा विपत्र पर तो वो एंट्री करेगा अपनी बुक में ए यानी कि लेखक डेबिट, ए डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग एक्सेप्टेंस ऑन बिल पेबल 400 से इसकी एंट्री करेगा। और सेकेंड, जबकि बिल डिसऑनर्ड हो जाता है तो यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है कि वो बिल डिसऑनर्ड हुआ है जो कि एंड्रोज वाला था, तो इस कंडीशन में स्वीकर्ता जो होता है वो अपनी पुस्तक में एंट्री करेगा बिल पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ए, और बिल्स पेबल 400, नोटिंग एक्सपेंसेस 5 रुपीज के थे, तो टोटल जो टोटल जो अमाउंट आ जाएगी ए के अकाउंट के क्रेडिट में वो हो जाएगी 405। और नरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग डिसऑनर्ड ऑफ बिल एंड नोटिंग चार्जेस पेड। अब हम आ जाते हैं सी के पुस्तक में जिसको बेचान किया गया है, तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बेचान की कंडीशन में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए और 400 से हम इसकी एंट्री करेंगे। नरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग एंड्रोस्ड ऑफ बिल, और सेकंड कंडीशन जबकि ये बिल डिसऑनर्ड हो जाता है, बिल क्योंकि सी के पास था और उस समय ये डिसऑनर्ड हुआ, तो इस कंडीशन में एंट्री होगी ए डेबिट, क्योंकि सी जो है वो बिल कहाँ से प्राप्त किया था, ए से प्राप्त किया था, अब इसमें बी का कोई रोल नहीं है तो हम लेखक को डेबिट करेंगे यानी ए को डेबिट करेंगे, तो ए डेबिट बिल्स रिसीवेबल टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू नोटिंग चार्जेस अकाउंट, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट में हम 400 लिखेंगे, नोटिंग चार्जेस में हम 5 रुपीज लिखेंगे और टोटल अमाउंट जो है वो हम ए के अकाउंट के डेबिट में 405 लिखेंगे। और नरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। एक जनवरी 2007 को श्याम ने राम से 600 रुपए का एक विपत्र 3 माह की अवधि के लिए प्राप्त किया। यह बिल 1 मार्च को संग्रह के लिए बैंक भेजा गया तथा यह अनादृत हो गया। राम और श्याम की बहियों में जनरल के आवश्यक लेखे कीजिए, जबकि 30 रुपए आलोकन व्यय का भुगतान किया गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो पक्षकार राम और श्याम है। श्याम ने राम से एक विपत्र 3 माह की अवधि के लिए प्राप्त किया, यानी कि श्याम ने विपत्र प्राप्त किया है, यानी वो विपत्र लिखा रहा होगा तभी तो वो राम से स्वीकृत होकर प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब ये है कि श्याम जो है वो लेखक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेखक की बहियों में प्रविष्टि करेंगे, जिसमें फर्स्ट एंट्री जबकि विपत्र स्वीकृत होकर प्राप्त होगा वो हो जाएगा प्राप्य विपत्र खाता डेबिट राम से, यानी कि स्वीकर्ता के व्यक्तिगत खाते से, स्वीकर्ता राम है तो हम एंट्री करेंगे प्राप्य पत्र खाता डेबिट राम से, और नरेशन हम यहाँ पर लिखेंगे प्राप्य पत्र पर स्वीकृति प्राप्त की, और यहाँ अमाउंट लिखेंगे हम 600।
दूसरा, जबकि प्राप्य विपत्र संग्रह के लिए बैंक भेजा गया तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे विपत्र एकत्रीकरण खाता डेबिट प्राप्य विपत्र खाता से। जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि लेखक के पुस्तकों में उस कंडीशन में जबकि विपत्र जो है प्राप्य विपत्र जो है वो संग्रह के लिए कलेक्शन के लिए अगर बैंक भेजा जाता है तो एंट्री होती है विपत्र एकत्रीकरण खाता डेबिट प्राप्य विपत्र खाता से 600। और अगला जो यहाँ पर नेक्स्ट होगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि आगे ये जो विपत्र था वो अनादृत हो गया, यानी ऐसा विपत्र अनादृत हुआ है जो कि एकत्रीकरण के लिए बैंक भेजा जा चुका था। तो इस कंडीशन में जब अनादरण होता है तो हमने वीडियो में देखा कि जनरल एंट्री होती है स्वीकर्ता का व्यक्तिगत खाता डेबिट विपत्र एकत्रीकरण खाता से आलोकन व्यय खाता से। तो स्वीकर्ता यहाँ पर राम है तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी राम डेबिट विपत्र एकत्रीकरण खाता से आलोकन व्यय खाता से। यहाँ पर हम अमाउंट जो विपत्र की है वो है 600 और आलोकन व्यय जो है वो है 30, यानी टोटल 630 यहाँ पर हम राम के अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। अब वैसे ही हम राम के पुस्तक में जनरल एंट्री कर लें, राम यानी कि जो स्वीकर्ता है वो अपने पुस्तक में फर्स्ट एंट्री तो विपत्र पर स्वीकृति देने की करेगा, यानी फर्स्ट एंट्री करेगा श्याम डेबिट दे विपत्र खाता से। और यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे दे बिल पर स्वीकृति प्रदान की, तो ये हो जाएगा विपत्र पर स्वीकृति के लिए। और नेक्स्ट जो एंट्री है वहां पर विपत्र का अनादरण होगा और आलोकन व्यय का भुगतान किया जाएगा, तो उस कंडीशन में स्वीकर्ता अपनी पुस्तक में प्रविष्टि करेगा दे विपत्र खाता डेबिट आलोकन व्यय खाता डेबिट श्याम से। यहाँ पर हम एंट्री करते हैं लेखक से, तो लेखक कौन है, श्याम है, तो यहाँ हम एंट्री करेंगे श्याम से। और दे विपत्र की राशि है 600, आलोकन व्यय यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 30 रुपए, और टोटल ये अमाउंट श्याम के खाते में क्रेडिट हो जाएगी 630 630 रुपए से। और नरेशन यहाँ हम लिखेंगे विपत्र का अनादरण तथा आलोकन व्यय का लेखा किया गया। 1 जनवरी 2007 को सुरेश ने मोहन से 6000 रुपए का माल उधार खरीदा। सुरेश ने इसके लिए 2 माह का विपत्र स्वीकार किया। मोहन ने इसे 6% प्रतिवर्ष की दर से इसी तिथि को बुना लिया। भुगतान तिथि पर बिल अनादृत हो गया, नोटिंग व्यय 10 रुपए हुए। सुरेश और मोहन के पुस्तकों में जनरल के आवश्यक लेखे कीजिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विपत्र को बट्टे पे बुनाया गया है, लेकिन नई बात यहाँ पर यह आ गई कि ये ऐसा विपत्र, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विपत्र एक अनादृत हुआ है, लेकिन नई कंडीशन यहाँ पर यह आ गई है कि वो विपत्र अनादृत हुआ है जो कि बैंक से 6% प्रतिवर्ष की दर से बट्टे पे भुना लिया गया था। तो ये देखते हैं कि इस कंडीशन में जबकि बैंक से भुनाया गया विपत्र अनादृत हो जाए तो लेखक और स्वीकर्ता के पुस्तकों में किस प्रकार से प्रविष्टियां की जाती है। तो सबसे पहले यहाँ हम देख रहे हैं लेखक कौन है, मोहन, और स्वीकर्ता कौन है, सुरेश। मोहन जब सुरेश को माल बेचेगा, स्टेप बाय स्टेप हम इसमें एंट्री करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि 1 जनवरी 2007 को सुरेश ने मोहन से 6000 रुपए का माल उधार खरीदा, यानी कि मोहन जो है वो सुरेश को 6000 रुपए का माल उधार बेचा। तो फर्स्ट एंट्री क्या करेगा ये अपनी बुक में, सुरेश डेबिट टू सेल, और 6000 से इसकी एंट्री करेगा बीइंग गुड सोल्ड टू सुरेश। सेकेंड एंट्री, सुरेश ने इसके लिए 2 माह का एक विपत्र स्वीकार किया। अब सुरेश जब विपत्र को स्वीकार करके वापस देता है मोहन को तो हम क्या एंट्री करते हैं लेखक की पुस्तक में, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टेड, यानी कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुरेश, और 6000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। थर्ड कंडीशन में जबकि मोहन ने इसे 6% प्रतिवर्ष की दर से इसी तिथि को भुना लिया, अब इसे भुना लिया गया 6% प्रतिवर्ष की दर से, तो 2 माह का क्योंकि ये विपत्र था तो यहाँ पर हम इसकी सबसे पहले इसके तो बट्टे की गणना हम कर ले, तो ये हो जाएगा 6000 × 6 × 2 / 12 × 100, यानी 60 रुपीज। तो 6000 का ये बिल था, 60 रुपीज डिस्काउंट हो गया, तो बैंक के डेबिट में कौन सी अमाउंट आएगी, 5940, और डिस्काउंट कितना हो जाएगा 60। जनरल एंट्री यहाँ पर क्या होगी विपत्र के बुनाने की, ये हमने पिछले पहले भी देखा है, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये लेखक के पुस्तक में एंट्री होती है। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे 5940, डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे 60 रुपीज, और टोटल 6000 हम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे।
इसके बाद लास्ट, अब ये जो बुनाया गया विपत्र था ये अनादृत हो गया है और नोटिंग चार्जेस भी दिया गया है 10 रुपीज। तो इस कंडीशन में अगर बुनाया गया विपत्र अनादृत हो जाए, तो हमने वीडियो में देखा था कि कौन सी एंट्री होती है लेखक की बुक में, स्वीकर्ता का व्यक्तिगत खाता डेबिट बैंक खाता से नोटिंग व्यय खाता से। तो स्वीकर्ता कौन है यहाँ पर? सुरेश। सुरेश डेबिट टू बैंक टू नोटिंग चार्जेस। तो बैंक तो 6000 से आएगा क्योंकि 6000 का विपत्र था। नोटिंग चार्जेस एडिशनल इसमें जुड़ जाएगा 15 रुपीज और टोटल सुरेश के अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा 6015 रुपीज। अब दूसरे पक्षकार यानी कि सुरेश की पुस्तकों में हम इसी प्रकार पंजी प्रविष्टि करेंगे। सुरेश जो कि एक्सेप्टर है, स्वीकर्ता है विपत्र का, और देखा जाए तो क्रेता भी है। जो क्रेता होता है विपत्र पर वही स्वीकृति देता है, यानी कि वो स्वीकर्ता या एक्सेप्टर कहलाता है। तो सुरेश यानी कि एक्सेप्टर की बुक में हम पहली एंट्री तब करेंगे जबकि वो मोहन से माल खरीदेगा, और मोहन से माल खरीदने के लिए फर्स्ट एंट्री करेगा परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन बीइंग परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम मोहन, और 6000 से इसकी एंट्री हम करेंगे। सेकेंड कंडीशन यहाँ बनती है जबकि सुरेश जो कि स्वीकर्ता है वो मोहन के द्वारा लिखे गए विपत्र पर स्वीकृति देता है। ऐसी कंडीशन में नॉर्मली जनरल एंट्री होती है ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, और ड्रॉवर यानी कि लेखक यहाँ पर मोहन है, तो प्रॉपर यहाँ हम जनरल एंट्री करेंगे मोहन डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। टिप्पणी यहाँ पर हम लिखेंगे नरेशन बींग एक्सेप्टेंस गिवन, और 6000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बिल जो है वो बट्टे पे भुना लिया गया है, सुरेश के बिल जो है वो बट्टे पर भुना लिया गया है मोहन के द्वारा, तो भुनाने की एंट्री स्वीकर्ता के यहाँ तो हम नहीं करेंगे। लेकिन उसका बाद का जो पॉइंट है जिसमें ये जो भुनाया गया बिल है वो अनादृत हो जाता है, डिसऑनर्ड हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में स्वीकर्ता के यहाँ हम एंट्री करते हैं बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। नॉर्मली अगर हम देखें तो अगर नोटिंग चार्जेस क्वेश्चन में दिया गया है, अगर पेबल है तो हम नोटिंग चार्जेस को डेबिट करेंगे, नहीं तो हम केवल बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट तक ही एंट्री को रखेंगे। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि नोटिंग चार्जेस भी पे किए गए हैं 10 रुपीज, तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। बिल्स पेबल के टोटल अमाउंट थे 6000, उसको हम बिल्स पेबल के डेबिट साइड में लिखेंगे। नोटिंग चार्जेस है 10 रुपीज, उसको हम नोटिंग चार्जेस के डेबिट में लिखेंगे, और मोहन के अकाउंट के क्रेडिट साइड में टोटल हम 6010 रुपीज लिखेंगे, और फिर हम यहाँ पर नरेशन लिखेंगे बाय बिल डिसऑनर्ड। रुपए का माल बेचा जिस पर 3 माह की अवधि का एक बिल लिखा गया जो ब ने स्वीकार कर लौटा दिया, अ ने इसे बैंक से 6% प्रतिवर्ष की दर से बुना लिया, भुगतान तिथि पर बिल अनादृत हो गया और बैंक ने 20 रुपए निकराई या आलोकन व्यय का भुगतान किया। अ और ब के पुस्तकों में जनरल के आवश्यक लिखे कीजिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो पक्षकार हैं अ और ब। अ जो है वो विपत्र का लेखक है, विक्रेता है, इसने माल बेचा है इसलिए ये लेखक है, विपत्र लिखेगा, और ब जो है वो विपत्र का स्वीकर्ता है, वो माल पर स्वीकृति देगा। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम आ यानी कि लेखक की पुस्तक में आवश्यक पंजी प्रविष्टियां करेंगे, और उसके बाद हम ब यानी कि स्वीकर्ता के पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टियां करेंगे। सबसे पहले हम लेखक की पुस्तक में करें तो जब आ ब को माल बेचेगा तो वो अपने बुक में एंट्री करेगा ब डेबिट विक्रय खाता से बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और 1000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। सेकेंड, जब 3 माह की अवधि का एक विपत्र लिखेगा बी से स्वीकृत करके प्राप्त करेगा तो ए यानी कि लेखक अपनी पुस्तक में एंट्री करेगा प्राप्य विपत्र खाता डेबिट स्वीकर्ता के व्यक्तिगत खाता से, यानी यहाँ पे स्वीकर्ता कौन है? बी। तो जनरल एंट्री प्रॉपर यहाँ पर हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। थर्ड कंडीशन में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आ ने इसे बैंक से 6% प्रतिवर्ष की दर से भुना लिया, तो भुनाने पर हम लेखक की पुस्तक में जैसे कि हमने पहले भी देखा, पार्ट वन में भी हमने देखा था, जनरल एंट्री यहाँ पर हमारी होती है बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर? 3 माह की अवधि का ये विपत्र था,
6% प्रतिवर्ष की दर से इस पर बट्टा मिलना है। तो 1000 × 6 × 3 / 12 × 100, तो यहाँ पर हम डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे, 15 रुपीज हम यहाँ पर डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे। 1000 का बिल था और 15 रुपीज डिस्काउंट हो गया, यानी कि 985 नेट अमाउंट आएगी जो कि हम बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। 985 डिस्काउंट के डेबिट में हम लिखेंगे 15 रुपीज और टोटल 1000 रुपीज हम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब जबकि भुना दिया गया था उस विपत्र को और अब वो विपत्र अनादित हो जाता है और बैंक ने 20 रुपया निकराई व्यय और आलोकन व्यय भी चुकाए, तो हमने देखा वीडियो में कि किस प्रकार जब एक विपत्र बैंक से बुनवा लिया गया है और उसके बाद वो विपत्र अनादित हो जाता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर हम जनरल एंट्री करते हैं एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पर क्योंकि आलोकन व्यय भी दिया गया है तो उसको हम इसके अमाउंट में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर एक्सेप्टर कौन है, बी है, तो यहाँ हम जनरल एंट्री करेंगे 20 अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और नरेशन हम यहाँ लिखेंगे बीइंग बिल्स डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, और 1000 का ये बिल था, 20 रुपीज इसमें नोटिंग चार्जेस एड हो जाता है, तो टोटल हम इसमें अमाउंट लिखेंगे 1020। अब दूसरा पक्षकार हम देख रहे हैं बी है जो कि एक्सेप्टर है, विपत्र का स्वीकर्ता है और ए के द्वारा लिखे गए विपत्र पर ये स्वीकृति दे रहा है। क्योंकि इसने माल खरीदा है तो ये सबसे पहली एंट्री अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में करेगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू ए, यानी कि टू ड्रॉवर अकाउंट हम एंट्री करते हैं नॉर्मली, ड्रॉवर यहाँ पर ए है इसलिए हम प्रॉपर एंट्री करेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू ए और 1000 से इसकी एंट्री हम करेंगे। उसके बाद यहाँ हम सेकेंड एंट्री करेंगे बिल्स पेबल, जब बिल स्वीकृत होकर स्वीकृति जब दी जाएगी बिल पे ए के द्वारा लिखे गए विपत्र पर, तो एक्सेप्टर यहाँ अपने बुक में एंट्री करेगा ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट और 1000 से एंट्री करेगा। और उसके बाद ये बिल जबकि भुना लिया गया लेखक के द्वारा, तो भुनाने की कोई भी एंट्री एक्सेप्टर के यहाँ नहीं की जाएगी, लेकिन जब ये विपत्र यानी कि भुनाया गया विपत्र अनादृत हो जाता है तो अनादरण की कंडीशन में फिर हम एंट्री करेंगे बी यानी कि एक्सेप्टर की बुक में बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मोहन यानी कि ड्रॉवर अकाउंट। तो यहाँ बिल्स पेबल अकाउंट के डेबिट में हम 1000 लिखेंगे, नोटिंग चार्जेस के डेबिट में हम 20 लिखेंगे और मोहन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम 1020 रुपीज लिखेंगे और नरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग बिल्स डिसऑनर्ड। राम ने श्याम को 2500 रुपए का माल बेचा और 2500 रुपए का एक विपत्र 3 माह की अवधि का लिखा। 1 माह पश्चात राम ने 6% प्रतिवर्ष की दर से विपत्र को बैंक से भुना लिया। भुगतान तिथि पर विपत्र अनादृत हो गया। दोनों पक्षों के पुस्तक में जनरल के आवश्यक लेखे कीजिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो पक्षकार हैं राम और श्याम। राम क्योंकि श्याम को माल बेचता है इसलिए राम लेखक है और श्याम उस माल को खरीदता है यानी कि श्याम उसका क्रेता है, विपत्र का स्वीकर्ता है। तो सबसे पहले हम राम यानी कि विपत्र का लेखक है उसकी पुस्तक में पंजी प्रविष्टि करेंगे, यानी जब ये राम जो है वो श्याम को माल बेचेगा तो जनरल एंट्री करेगा वो अपनी बुक में श्याम डेबिट टू सेल्स और 2500 से एंट्री करेगा। सेकेंड एंट्री जबकि विपत्र लिखेगा और विपत्र पर वो श्याम से स्वीकृति प्राप्त करेगा तो वो अपनी बुक पे जनरल एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम और 2500 से एंट्री करेगा। अब क्योंकि 1 माह के बाद इस विपत्र को वो बैंक से बट्टे पर भुना लेता है, यानी कि टोटल जो विपत्र था वो 3 माह के लिए लिखा गया था और ये 1 माह के बाद ही भुना लेता है, यानी कि यहाँ पर जो 6% प्रतिवर्ष की दर से बैंक से बट्टे पर वो भुनाया है उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पर हम 2500 × 2 × 6% से इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 25 रुपीज हमको यहाँ पर डिस्काउंट के अमाउंट मिल जाएगी। और यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा जो विपत्र था वो था 2500 का, तो जनरल एंट्री जब हम राम यानी कि लेखक की बुक में करेंगे तो ये हो जाएगी
बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट में हम नेट अमाउंट लिखते हैं जो कि डिस्काउंट के बाद कैलकुलेट होती है, यानी कि यहाँ पर हम देख रहे थे कि हमारा जो विपत्र था वो 2500 का था, 25 रुपीज हमने डिस्काउंट इसमें कैलकुलेट कर लिया, यानी हम बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे 2475, और डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे 25, और टोटल 2500 हम प्राप्य विपत्र के डेबिट क्रेडिट यानी कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद विपत्र जो है वो अनादृत हो जाता है। किस तरह का विपत्र अनादृत होता है? ऐसा विपत्र जो कि बैंक से बट्टे पर बुना लिया गया था और अब वो विपत्र अनादृत हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ हम जनरल एंट्री करते हैं एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर जो एक्सेप्टर है वो है श्याम, तो यहाँ हम जनरल एंट्री करेंगे श्याम डेबिट टू बैंक अकाउंट, और नरेशन हम लिखेंगे बिंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, लेकिन यहाँ पर नोटिंग चार्जेस नहीं है इसलिए हम सिर्फ लिखेंगे बिंग बिल डिसऑनर्ड, और यहाँ हम 2500 का वो बिल था तो 2500 से इसकी एंट्री हम करेंगे। अब यहाँ हम दूसरा पक्षकार देखें जो कि श्याम है, एक्सेप्टर है, इसने राम के द्वारा लिखे गए विपत्र पर स्वीकृति दी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि एक्सेप्टर है, स्वीकृति दे रहा है, यानी कि माल का ये क्रेता भी है। अब जब ये माल खरीदेगा तो फर्स्ट एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में करेगा परचेस अकाउंट डेबिट टू राम बिंग परचेस ऑफ गुड्स 2500 से हम इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद जब राम के द्वारा लिखे गए विपत्र पर स्वीकृति देगा तो हम एंट्री करेंगे राम डेबिट टू बिल्स पेबल और 2500 से हम इसकी एंट्री करेंगे। विपत्र जब बट्टे पर भुना लिया जाता है तो इसकी कोई प्रविष्टि स्वीकर्ता के यहाँ नहीं की जाती है, लेकिन ये भुनाया गया विपत्र जब अनादृत हो जाएगा तो हम इसकी एंट्री स्वीकर्ता यानी कि श्याम की पुस्तकों में करेंगे। एक चीज का हमको विशेष ध्यान रखना है, इस कंडीशन में हमको देखना है कि क्या किसी प्रकार का कोई नोटिंग चार्जेस हुआ है। अगर हुआ है तो हम उसकी एंट्री भी करेंगे नोटिंग चार्जेस लिखकर, और अगर नहीं हुआ है तो हम नॉर्मल एंट्री करेंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पर नोटिंग चार्जेस से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं दिया गया है तो नॉर्मल हमारी यहाँ पे जनरल एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट और 2500 से हम इसकी एंट्री करेंगे। दस मार्च 2006 को दीपक ने जगन को 1000 रुपए का माल बेचा और उसी दिन 3 माह का एक बिल लिखा जिसे जगन स्वीकार करता है। दीपक उस बिल को 10% प्रतिवर्ष की दर से बट्टे पर भुना लेता है। जगन भुगतान तिथि पर बिल को अनादृत कर देता है। बैंक को 10 रुपए नोटिंग वे देने पड़ते हैं। दीपक के जनरल में प्रविष्टि कीजिए। यहाँ पर दीपक जो है वो विक्रेता है, दो पक्षकार हैं दीपक और जगन। दीपक विक्रेता है, माल बेचता है, यानी कि वो लेखक है, और प्रश्न में स्पष्ट कर दिया गया है कि हमको केवल दीपक की पुस्तकों में ही आवश्यक प्रविष्टियां करनी है। तो लेखक की पुस्तक यानी दीपक की पुस्तक में जब हम एंट्री करेंगे तो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी जबकि वो माल जगन को बेचेगा, यानी ये एंट्री हो जाएगी जगन डेबिट टू सेल्स अकाउंट और 1000 से हम इसकी एंट्री करेंगे, और नरेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं बींग गुड सोल्ड टू जगन। और उसके बाद जब ये लेखक दीपक जो है वो 3 माह का एक बिल लिखेगा, जगन उसको स्वीकार करेगा और वापस दीपक को दे देगा, तो यहाँ जनरल एंट्री हो जाएगी दीपक के बुक में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जगन, क्योंकि जब कोई लेखक विपत्र स्वीकृत करके प्राप्त करता है तो वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट। एक्सेप्टर यहाँ पर जगन है तो यहाँ वो प्रॉपर एक एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जगन अकाउंट और 1000 से इसकी एंट्री की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दीपक जो लेखक है उस बिल को 10% प्रतिवर्ष की दर से बैंक से बट्टे पर भुना लेता है। तो यहाँ पर हम क्योंकि देख रहे थे कि 3 माह की अवधि का वो बिल था और अब उसको बैंक से बट्टे पर भुना लिया जाता है, तो सबसे पहले तो हम इसकी जो बट्टे की जो कैलकुलेशन है वो हम कर लेंगे 1000 × 10 × 3 और डिवाइडेड बाई 1200। तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 75 रुपीज हमको
यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो जब हम जनरल एंट्री यहाँ पर करेंगे बट्टे पर भुनाने की, तो हम यहाँ एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और यहाँ हम बैंक अकाउंट के डेबिट पे कौन से अमाउंट लिखेंगे, क्योंकि 1000 का तो बिल था, 75 रुपीज इसमें से डिस्काउंट चला गया, यानी कि 925 रुपीज हम बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, और 25 रुपीज हम डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, और टोटल जो 1000 है वो हम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। अब क्योंकि ये जो भुनाया गया बिल था वो अनादृत हो जाता है, डिसऑनर्ड हो जाता है, और साथ में बैंक जो है वो नोटिंग एक्सपेंसेस भी देता है, तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाती है एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ एक्सेप्टर्स कौन है, यहाँ हम देख रहे हैं कि जगन जो है वो एक्सेप्टर्स है, स्वीकर्ता है, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी जगन डेबिट टू बैंक अकाउंट, और इसी में हम अमाउंट को जोड़ के लिखेंगे जो नोटिंग एक्सपेंसेस की अमाउंट है, यानी कि 1010 रुपीज से हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे। अब हम दूसरे पक्षकार को देखें जो कि जगन है, और क्वेश्चन में हमने देखा कि जगन जो है वो क्रेता है, उसने विपत्र पर स्वीकृति दी है, उसने उधार माल खरीदा है, यानी कि वो क्रेता व्यापारी है, और जब ये माल खरीदेगा तो वो एंट्री करेगा सबसे पहले परचेस अकाउंट डेबिट टू दीपक, और यहाँ पर हम 1000 से एंट्री करेंगे। उसके बाद जब ये विपत्र पर स्वीकृति देगा, जगन दीपक के द्वारा लिखे गए विपत्र पर स्वीकृति देगा, तो नॉर्मली जनरल एंट्री होती है ड्रॉवर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ड्रॉवर हम देख रहे हैं यहाँ पे दीपक है, तो यहाँ जनरल एंट्री हो जाएगी दीपक डेबिट टू बिल्स पेबल 1000, और जब दीपक इसे बट्टे पर भुना लेगा बैंक से, तो भुनाने की कोई एंट्री स्वीकर्ता के हाथ तो नहीं होगी, स्वीकर्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यही विपत्र भुनाया गया विपत्र जब अनादृत हो जाता है तो इस कंडीशन में स्वीकर्ता के यहाँ जनरल एंट्री की जाती है, और विशेष रूप से ये देखा जाता है कि क्या इस पर किसी प्रकार का कोई आलोकन व्यय या नोटिंग चार्जेस है, अगर है तो इस कंडीशन में जनरल एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, तो ड्रॉवर यहाँ पर दीपक है, तो हम एंट्री करेंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू दीपक अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट के डेबिट साइड में हम 1000 लिखेंगे, नोटिंग चार्जेस के डेबिट में हम 10 रुपीज लिखेंगे, और दीपक के अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम 1010 रुपीज लिखेंगे। नरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे बींग बिल डिसऑनर्ड। श्रीधर पगारे ने श्री सत्यनारायण पर 900 रुपए का एक विपत्र लिखा, जिसे सत्यनारायण ने स्वीकृत कर पगारे को लौटा दिया। यदि भुगतान तिथि पर विपत्र अप्रतिष्ठित हो जाए तो दोनों पक्षकारों की पुस्तकों में निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या जनरल प्रविष्टियां की जाएंगी? यदि लेखक श्रीधर पगारे भुगतान तिथि तक विपत्र अपने पास रखते हैं, दूसरा यदि उन्होंने विपत्र को बैंक से भुना लिया हो, तीसरा यदि उन्होंने विपत्र का बेचान श्री नायक को कर दिया हो, चौथा यदि विपत्र बैंक में संग्रहार्थ भेजा गया हो। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि श्रीधर पगारे ने विपत्र लिखा है, यानी कि वो लेखक है, तो लेखक की बहियों में हमको पंजी प्रविष्टि करनी है, और उसके बाद श्री सत्यनारायण जो कि स्वीकर्ता है उनकी बुक में हमको पंजी प्रविष्टि करनी है। तो सबसे पहले हम लेखक की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि करेंगे, जबकि श्रीधर पगारे ने विपत्र पर स्वीकृति प्राप्त की सत्यनारायण से, तो विपत्र पर स्वीकृति प्राप्त करने की एंट्री की जाएगी प्राप्त विपत्र खाता डेबिट सत्यनारायण से, और नरेशन टिप्पणी हम यहाँ पर लिखेंगे विपत्र पर स्वीकृति प्राप्त हुई, और विपत्र की राशि 900 रुपए से हम इसकी प्रविष्टि करेंगे। दूसरी एंट्री, क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस चार बताई गई हैं, तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब वो विपत्र अनादृत हो जाए, तो हमने वीडियो में देखा कि अगर जो स्वीकृत किया गया विपत्र अगर अनादृत हो जाता है तो उस कंडीशन में हम एंट्री करते हैं स्वीकर्ता का व्यक्तिगत खाता डेबिट प्राप्त विपत्र खाता से, तो स्वीकर्ता यहाँ पर है सत्यनारायण, तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे सत्यनारायण का खाता डेबिट प्राप्त विपत्र खाता से, और नरेशन हम लिखेंगे यहाँ पर विपत्र अनादृत हुआ 900 रुपए से हम इसकी एंट्री करेंगे। तीसरी कंडीशन यहाँ पर दी गई है कि अगर विपत्र को बैंक से भुना लिया जाए, तो हमने देखा कि जनरल एंट्री होती है अगर
विपत्र को भुनाया जाए तो स्वीकर्ता का व्यक्तिगत खाता डेबिट बैंक खाता से, तो यहाँ पर क्योंकि स्वीकर्ता सत्यनारायण है तो यहाँ पर जर्नल एंट्री होगी सत्यनारायण डेबिट बैंक खाता से और 900 रुपए से हम इसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेचान के बाद अगर विपत्र अनादित हो जाए, थर्ड कंडीशन में हमको बताना है कि कौन सी जनरल एंट्री होगी अगर बेचान के बाद विपत्र अनादित हो जाता है तो हमने देखा कि इस कंडीशन में जबकि बेचान करने के बाद विपत्र अनादित हो जाए तो हम प्रविष्टि करते हैं स्वीकर्ता का खाता डेबिट बेचान पात्र खाता से, तो क्योंकि स्वीकर्ता यहाँ पर जो है वो सत्यनारायण है तो सत्यनारायण का खाता डेबिट होगा और नायक को बेचान किया गया तो नायक के खाता से और 900 रुपए से हम इसकी प्रविष्टि करेंगे और जनरल एंट्री हम लिखेंगे बेचान के पश्चात विपत्र अनादृत हुआ। फोर्थ जो कंडीशन है उसके लिए हम एंट्री करेंगे और फोर्थ कंडीशन में दिया गया है कि अगर ये जो विपत्र है वो संग्रहित कर दिया गया था, संग्रहार्थ था और उसके बाद विपत्र का अनादरण होता है तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए, ऐसी कंडीशन में विपत्र के अनादरण की कौन सी एंट्री होती है। तो यहाँ हमने वीडियो में देखा था कि अगर संग्रहार्थ भेजा गया विपत्र अनादृत हो जाता है तो हम पंजी प्रविष्टि करते हैं स्वीकर्ता का व्यक्तिगत खाता डेबिट विपत्र संग्रहार्थ खाता से, तो यहाँ पर हमारी एंट्री क्योंकि स्वीकर्ता जो है वो सत्यनारायण है तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी सत्यनारायण डेबिट विपत्र संग्रहार्थ खाता से और नरेशन हम लिखेंगे संग्रहार्थ विपत्र का अनादरण 900 रुपए से। उसके बाद हम स्वीकर्ता की पुस्तक में एंट्री करेंगे तो स्वीकर्ता की पुस्तक में एक तो तब एंट्री होगी जब वो लेखक को स्वीकृति देगा, जब स्वीकर्ता लेखक को स्वीकृति देता है तो एंट्री होती है लेखक का खाता डेबिट दे विपत्र खाता से, तो यहाँ पर लेखक जो है वो है श्रीधर पगारे तो यहाँ हम एंट्री करेंगे श्रीधर पगारे डेबिट दे विपत्र खाता से और नरेशन हम यहाँ पर लिखेंगे विपत्र पर स्वीकृति दी। अब बहुत सारी यहाँ पर कंडीशन दी गई है लेकिन यहाँ पर जब विपत्र अनादृत होकर वापस आएगा तो सभी कंडीशन में चाहे वो भुना लिया गया हो, बेचान कर दिया गया हो, सभी कंडीशन में विपत्र के अनादरण की जो एंट्री होती है वो स्वीकर्ता की पुस्तकों में केवल एक ही एंट्री होती है और वो होती है दे विपत्र खाता डेबिट लेखक के व्यक्तिगत खाता से, तो यहाँ पर क्योंकि लेखक जो है वो श्रीधर पगारे है तो यहाँ हम एंट्री करेंगे दे विपत्र खाता डेबिट श्रीधर पगारे से और नरेशन यहाँ हम लिखेंगे विपत्र अनादृत होकर वापस आया।